हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और फिर से मैं आपके सामने एक फार्म मशीनरी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ट्रैक्टर को ही कंटिन्यू ट्रैक्टर हमने स्टार्ट किया था और ट्रैक्टर्स में हमने ट्रैक्टर पढ़ा था कि ट्रैक्टर क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर देखे थे हमने कि कितने तरीके के ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे व्हील टाइप ट्रैक्टर, क्रॉलर्स, ठीक है, पावर टिलर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था उसमें कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, आपको किस किस बातों को दिमाग में रखना है जब आप किसी भी ट्रैक्टर को क्या कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ख़रीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर करी थी अच्छे से। होप आप लोगों को वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आज जो हम लोग ट्रैक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और ट्रैक्टर को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रैक्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं जो कि हम ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं, तो उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम ट्रैक्टर्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली टर्म है जो हम ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं वो होता है आपका व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस। तो ये व्हील बेस क्या होता है भाई? अच्छा, आपने ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर के जो आगे वाले पहिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्रंट व्हील। ठीक है, और जो पीछे वाले पहिए होते हैं, जिन्हें टायर्स, पीछे वाले टायर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेयर व्हील। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए, जो ये व्हील बेस होता है ये क्या होता है बेसिकली आपका, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपका इस तरीके से कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया और ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया, रियर। रियर पोर्शन का मतलब है पीछे वाला। ठीक है, ये आगे के पहिए हो गए, ये पीछे के व्हील्स हो गए। तो जो व्हील बेस होता है, बेसिकली व्हील बेस क्या होता है, आपके जो फ्रंट व्हील है और जो रियर व्हील है इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, मतलब अगर इन दोनों टायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील बेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, आगे समझ में क्या, फ्रंट व्हील और जो रियर व्हील, मतलब जो पीछे वाला पहिया होता है और जो आगे वाला पहिया, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, व्हील बेस बोलते हैं। वो आपका क्या हो जाता है, व्हील बेस। तो अगर आपको कहीं पे भी व्हील बेस लिखा हुआ आया कि इस ट्रैक्टर का व्हील बेस इतना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्या बात कर रहा है, आपके फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है, कि कितनी दूरी पे वो लगे हैं, मतलब एक दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ठीक है, ये भी बहुत यूज होता है भाई कि आपके ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, या कई बार आप खरीदने जाएंगे ट्रैक्टर तो आपने देखा होगा वो आपसे बोलता है कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली ट्रैक्टर में हमें यूज़ होता है, डिपेंड करता है आप किस फील्ड में, मतलब कौन सा खेती कर रहे हैं आप, किस फसल की आप खेती कर रहे हैं। कुछ खेत, मतलब कुछ जैसे आपके जहाँ पे शुगर केन होते हैं तो उसके प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा व्हील बेस चाहिए होगा, है ना, और जहाँ पे छोटे छोटे पौधे आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे कम व्हील बेस के ट्रैक्टर से भी काम चल जाएगा। अब देखते हैं ये, सॉरी, ग्राउंड क्लियरेंस से भी काम चल जाएगा। तो देखते हैं ये ग्राउंड क्लियरेंस होता क्या है। तो बेसिकली ये ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है कि जब आपका ट्रैक्टर आपने खड़ा किया है, ठीक है, तो जो उसकी जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा, लोएस्ट पार्ट से जो डिस्टेंस है आपके अर्थ की,
ठीक है, मतलब जहाँ पे आपने खड़ा किया है और अर्थ की डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये ट्रैक्टर है आपका सपोज, ठीक है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है ट्रैक्टर का और ये आपकी अर्थ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ द हाइट ऑफ लोएस्ट पार्ट ऑफ ट्रैक्टर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, जो लोएस्ट पार्ट होगा ट्रैक्टर का आपका, ठीक है, जो ट्रैक्टर में कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसमें जो लोएस्ट पार्ट होता है उससे हम हाइट नापते हैं ज़मीन की, मतलब आपके धरती तक जो आपकी सॉइल है वहाँ से जो ग्राउंड है आपने जिसके ऊपर उसे खड़ा किया उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो वो आपका क्या बता देता है, ग्राउंड क्लियरेंस बता देता है। तो जनरली आपके ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपकी जो जो आप क्रॉप उगा रहे हैं वो बड़ी बड़ी हैं तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपका जो ट्रैक्टर है वो डिस्ट्रॉय ना कर पाए आपकी जब आप उसको फील्ड में चलाएं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भाई कि तीसरा पॉइंट क्या होता है, दिस इज अ ट्रैक। ठीक है, तो ट्रैक क्या होता है, अच्छा व्हील बेस और ट्रैक, व्हील बेस तो हो गया आपके आगे और पीछे के टायर के बीच का डिस्टेंस, और ट्रैक क्या होता है बेसिकली, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, जिसमें आपके टायर्स लगे होते हैं ना इनको क्या बोलते हैं, एक्सल्स बोला जाता है। ठीक है, एक्सल, ठीक है, तो क्या होता है, जो ट्रैक होता है आपका, जो दो सेम एक्सल पे जो टायर लगे हैं, मतलब जैसे फ्रंट आगे के जो दो टायर हैं उनके बीच का डिस्टेंस बोल लो, या जो पीछे के जो टायर होते हैं दोनों उनके बीच का डिस्टेंस, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम ट्रैक बोल देते हैं। ठीक है, मतलब आगे के जो दोनों पहिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस नाप लो, या तो जो पीछे के जो टायर लगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लो। ठीक है, लेकिन दोनों टायर जो होने चाहिए सेम एक्सल पे होने चाहिए। ठीक है, तो उनके बीच के उसको क्या बोल देते हैं, हम ट्रैक बोल देते हैं। तो क्या होता है ये, इट इज़ अ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स अटैच विद द सेम एक्सल, सेम एक्सल के ऊपर जो व्हील लगे होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और देख लेते हैं हम इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन हो गए हमारे पास ट्रैक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहीं लिख लेते हैं चलो। ठीक है, फोर्थ होता है आपका टर्निंग स्पेस। टर्निंग स्पेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये आपसे, एग्जामिनेशन में भी पूछा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा भाई ट्रैक्टर का टर्निंग स्पेस क्या होता है। इसको टर्निंग स्पेस से भी जाना जाता है, और कई बार अगर आपने जो नॉर्मल गाड़ियां लेने जाते हैं, जैसे आप टू व्हीलर्स लेने जा रहे हो या फिर फोर व्हीलर्स कार वार लेने, तो वहाँ पर टर्निंग रेडियस बोला जाता है इसको, कि टर्निंग रेडियस है ना, वो बोला जाता है टर्निंग रेडियस भाई अच्छा होना चाहिए गाड़ी का, जितना अच्छा टर्निंग रेडियस होगा वो क्या होता है बेसिकली गाड़ी अच्छी मानी जाती है, कि अच्छा इसका टर्निंग रेडियस है, बोला जाता है जब आप लोग जाते हो खरीदने, तो आपका जो वहाँ पे सेल्समैन होता है वो आपको जब स्पेसिफिकेशन बताता है तो उनमें से एक स्पेसिफिकेशन टर्निंग रेडियस भी आपसे, आपको वो बताता है कि भाई इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस क्या है। अब समझ लेते हैं इसको अच्छे से कि भाई ये टर्निंग रेडियस क्या होता है, इसको बहुत प्यारे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, टर्निंग रेडियस वो मिनिमम, ठीक है, वो मिनिमम डायामीटर होता है किसी भी स्मॉलेस्ट सर्कल का, जब आप क्या करो किसी भी, अगर सपोज़ जैसे मैंने, मेरे पास कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई गाड़ी ले ली मैंने व्हील, अब मैंने उसको क्या किया, पूरा का पूरा टर्न कर दिया, मतलब अपने स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया एक्सट्रीम लिमिट तक, मतलब लॉक कर दिया पूरा। ठीक है, पूरा घुमाने के बाद अब मैंने जब स्टार्ट किया तो वो कुछ इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी है ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, अब क्या किया मैंने इसको यहीं पे, इसका जो स्टेयरिंग लगा था यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया यहीं पे, और अब मैंने क्या किया अपनी गाड़ी को
रोटेट करना स्टार्ट किया तो वो कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना देगी, है ना। तो ये ही इसी सर्कल का जो डायामीटर होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग स्पेस बोल देते हैं। मतलब आपने स्टीयरिंग अपना लॉक कर दिया और अब स्टीयरिंग को लॉक करने के बाद अपनी गाड़ी को आप उसी पोजिशन पर क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वो जो सर्कल बनाती है ना, उसी सर्कल को, वो जो मिनिमम सर्कल बनता है उसी सर्कल के डायामीटर को हम क्या बोल देते हैं, टर्निंग स्पेस और टर्निंग रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, तो जो ये आउटर पार्ट है ना आपका, ये तो इनर पार्ट हो गया, ये जो बनाएगा इसका, तो इट इज अ स्मॉलेस्ट, आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ स्मॉलेस्ट सर्कल डायामीटर मेड बाय आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैक्टर व्हेन या इन स्टीयरिंग लॉक कंडीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीयरिंग लॉक कंडीशन का क्या मतलब है कि आपने पूरा स्टीयरिंग अपना घुमा दिया मैक्सिमम तक, अब आप आगे उसे घुमा नहीं सकते। उसको पूरा घुमाने के बाद आपने अपना ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो वो कुछ इस तरीके से घूमेगा कि आपका ट्रैक्टर ऐसा है ना, तो ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा ऐसे करके। तो वो जो उस समय जो मिनिमम जो डायामीटर का जो रेडियस, मिनिमम डायामीटर का जो सर्कल बनता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टर्निंग रेडियस या फिर टर्निंग स्पेस बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। एक और चीज़ जो हमारे ट्रैक्टर में यूज़ होती है वो होती है आपकी केज व्हील्स। पांच टर्म्स थी, पांचवी है केज व्हील्स। केज व्हील्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब ट्रैक्टर्स को अगर आपने खेतों में काम करते हुए देखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम वेट फील्ड में काम करते हैं ना, वेट फील्ड मतलब कीचड़ में, जैसे कि आपका, जैसे कितनी सारी क्रॉप्स होती हैं, शायद आई थिंक राइस जब बोते हैं हम, धान जब बोते हैं, तो धान की जो खेती होती है वो बेसिकली किस में होती है, कीचड़ में होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन केज व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि जो पीछे के जो ट्रैक्टर के जो व्हील्स होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक लोहे का, ठीक है, एक हम मेटल का क्या करते हैं, एक सर्कल सा रिम टाइप का होता है और वो हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को व्हील केज बोला जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी जो आपके जो ट्रैक्टर होता है ना, उसका बेस बढ़ जाता है। तो बेस बढ़ जाता है तो आपका जो ट्रैक्टर होगा वो धसेगा नहीं, ठीक है, कीचड़ में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केज व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं और केज व्हील आपका वहीं पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो उसी, ठीक है, ये टर्म्स हो गई हमारी, पांच टर्म्स हम लोगों ने देख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रैक्टर्स में ये पूछे जाते हैं, भाई व्हील ट्रैक बता दो, ट्रैक क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, टर्निंग स्पेस क्या होता है, केज व्हील्स क्या होती हैं। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात। अब हम ना कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जनरली हमारा व्हील टाइप ट्रैक्टर ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहले हम व्हील टाइप ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ व्हील टाइप ट्रैक्टर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ व्हील टाइप ट्रैक्टर्स। तो मैं यहां पे एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं और क्यों यूज होते हैं। बाकी आप लोग नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग नोट्स मेरे से ले सकते हैं, मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी दिया है उसमें, तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपने जो भी आपका जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई ट्रैक्टर का, जिसके बिना भाई ट्रैक्टर, जैसे इंसान होता है तो इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका ब्रेन है, है ना। ब्रेन के बिना, अगर ब्रेन ख़त्म हो जाए तो भाई सब चीज़ें जितनी भी हमारे बॉडी में जो भी हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन का काम क्या होता है भाई, सोचने का, सारा चीज़ें वही रन कर रहा है। तो ऐसे ही व्हील ट्रैक्टर में क्या होता है, आईसी इंजन, ये आपका एक पावर यूनिट है एक तरीके से। मतलब जो आपका ट्रैक्टर मूव कर रहा है ना, वो आईसी इंजन की वजह से करता है। ठीक है, जनरली
ट्रैक्टर्स में जो इंजन लगे होते हैं वो डीजल टाइप लगे होते हैं, ठीक है, डीजल टाइप इंजन का हम यूज़ करते हैं। और इंजन को आप लोगों के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे इंजन की बेसिकली बनाई है कि IC इंजन क्या होते हैं, ठीक है, डीजल टाइप इंजन्स क्या होते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि IC इंजन क्या होते हैं, ठीक है, वो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। यहाँ बस आप ये याद रखिए भाई, IC इंजन कौन सा यूज़ होता है ट्रैक्टर में, जनरली डीजल टाइप इंजन यूज़ होता है और 4-स्ट्रोक, ठीक है, 4-स्ट्रोक डीजल इंजन हमारा क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। और बेसिकली इसी के कारण हमारा जो ट्रैक्टर है वो मूव कर पाता है। अगर ये पार्ट आप हटा दो इंजन, तो ट्रैक्टर क्या है फिर, कबाड़ है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो इसको पावर हाउस या प्राइम मूवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, IC इंजन हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका IC इंजन के बाद वो देख लेते हैं भाई, क्लच, ठीक है, क्लच सुना होगा सभी ने, क्लच दबाओ भाई, गियर चेंज, ठीक है। तो बेसिकली क्लच का क्या काम होता है, क्लच आपका ट्रैक्टर में हम यूज़ करते हैं एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑफ गियर्स का, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आपका क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप बाइक सभी चलाते हैं, ट्रैक्टर्स कार्स भी सभी ने चलाई होगी, ट्रैक्टर शायद कुछ लोगों ने चलाया होगा कुछ ने नहीं, तो इसीलिए कॉमन उससे स्टार्ट करते हैं हम। बाइक में देखते हैं, बाइक में क्या होता है, जब आपको गियर चेंज करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं तभी आप करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो होता क्या है उसमें, बेसिकली क्या होता है, जो ये क्लच होता है ना, ये क्लच आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट, मतलब जहाँ से आपकी पावर ट्रांसमिट होती है पूरी साइकिल, मतलब पूरी जो भी आपकी व्हीकल है और वो इंजन, ठीक है, जहाँ पे आपकी पावर जनरेट हो रही है। तो क्लच क्या करता है, जब आप क्लच को दबाते हैं ना, तो क्या होता है, जो IC इंजन, जो आपका इंजन लगा हुआ है, उसका कनेक्शन टूट जाता है ट्रांसमिशन शाफ्ट से, तो क्या होगा, उस समय आइडियल कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आप गियर चेंज करते हैं एंड फिर दोबारा से क्लच को छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा इंगेज हो जाती है, तो पावर दोबारा, अगर आप क्लच ना लगाएं तो उससे क्या दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा जर्किंग होगी, ठीक है, शॉक्स लगेंगे जब आप गियर, अगर आप कभी, अगर आपको देखना है तो आप करके देख सकते हैं अपनी बाइक्स में, आप मत करिए, आप क्लच मत दबाइए और एकदम से गियर बदल देना, आपको पता लग जाए, आपकी गाड़ी इतनी तेज़ी से झटका मारेगी ना, क्योंकि क्या है कि वो इतनी पावर में चल रहा है और आप पावर में कोई भी चीज़ को के मोशन को चेंज कर रहे हैं, तो वो दिक्कत तो करेगा ही, तो इसीलिए क्लच का हम यूज़ करते हैं। क्लच बेसिकली एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, जो गियर ड्राइव होती है, ठीक है, आपका जनरली क्या होता है, इंजन लगा होता है एक, अगर कोई भी साइकिल है तो उसमें एक इंजन होगा, ठीक है, इंजन के बाद आपका क्या होता है, एक गियर ड्राइव लगी होती है, गियर बॉक्स जिसे बोलते हैं, और फिर यहाँ पर ट्रांसमिशन, फिर ये पूरा ट्रांसमिट होता है आपकी साइकिल में, ठीक है। तो और क्लच क्या होता है, आपका यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आपका क्लच होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। तो ये क्लच क्या करता है, जब आप क्लच दबाते हैं तो ये क्या करता है, कनेक्शन तोड़ देता है इंजन का और बाकी इस सब से, ताकि क्या हो आपकी, अब फिर ये आइडियली रोटेट करते रहते हैं, तो आप जब जैसे ही गियर चेंज करते हैं फिर क्लच छोड़ देते हैं, फिर ये एंगेज हो जाता है। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का होता है, ठीक है, किससे, आपके इंजन और जो ट्रांसमिशन गियर्स, इसको क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स बोल लो या ट्रांसमिशन गियर्स, तो इन दोनों के बीच में एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का काम कौन करता है, क्लच, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट बिटवीन इंजन एंड ट्रांसमिशन गियर्स, ठीक है। ट्रांसमिशन गियर मतलब जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और पूरे साइकिल्स में व्हील तक जो पावर पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसमिट एंगेज कर लेते हैं ताकि शॉक ना लगे और हम गियर इजीली चेंज कर सकें। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्लच के बाद, ट्रांसमिशन गियर्स। ट्रांसमिशन गियर्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसमिशन गियर्स क्या होते हैं, आपके ट्रैक्टर्स में डिफरेंट एक गियर बॉक्स का होता है, जब आप डिसमेंटल करेंगे तो आपका एक यूनिट होती है जिसमें गियर्स लगे होते हैं बहुत सारे। वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम जब ट्रैक्टर्स को चलाते हैं तो हमें पावर, कभी हमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, कभी हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को के लिए अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन
कि आप किस फील्ड में, आपको अभी स्पीड चाहिए, आपको तेज भगाना है ट्रैक्टर को तो आपको स्पीड चाहिए, आपको टॉर्क नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को उठाना है अपने ट्रैक्टर की मदद से तो उस समय आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्पीड कम चाहिए। तो वही जो स्पीड रिडक्शन होता है ना, स्पीड रिडक्शन काम होता है इसका जनरली, ये क्या करता है आपका स्पीड रिडक्शन करता है, ठीक है। अलग अलग स्पीड पे आपकी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन गियर लगाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, कुछ स्पेयर खूब सारे होते हैं इसमें, तभी वो देखा है ना आपने, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, वो जो बेसिकली हम जो गियरिंग शिफ्ट करते हैं ना, शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, वो ट्रांसमिशन गियर का ही हम अरेंजमेंट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको बोला जाता है कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ये क्या होते हैं, मोस्ट पावरफुल गियर होते हैं, है ना। अगर आपको, तो आपको क्या बोला जाता है कि जैसे जब भी आपको क्या है पावर, जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं व्हीकल की बात करूँ तो अगर आप क्या कर रहे हैं, आप चढ़ाई में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जनरली आप क्या करते हो, फर्स्ट गियर में ले आते हो अपनी गाड़ी। क्यों ले आते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, पावर होती है। तो वो पावर कैसे आ रही है, वो स्पीड एंगेजमेंट करते हैं हम गियर्स का ना, छोटे गियर्स पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। बोला जाता है ना छोटे गियर पे लाओ, तो वो बेसिकली वही होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो गियर होता है उसमें क्या होता है, वो इस तरीके से स्पीड को आपकी कन्वर्ट करता है कि मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम आपका टॉर्क ट्रांसमिट होता है और स्पीड आपकी क्या रहती है, व्हीकल की कम रहती है। ऐसे ही जब आप हाईवे पे चला रहे हैं, तो हाईवे पे क्या है कि आपका इजीली चलती है गाड़ी, वहां पे कोई ऐसी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहां पे फिर हम क्या कर देते हैं, टॉर्क को कम करते हैं और स्पीड को बढ़ाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसमिशन गियर के कारण ही पॉसिबल होती हैं, कि आपको कब टॉर्क ज़्यादा चाहिए, कब स्पीड, वो सब हम किससे करते हैं, ट्रांसमिशन गियर से करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ, इज डिफरेंशियल यूनिट। डिफरेंशियल यूनिट बेसिकली क्या होता है, एक डिफरेंशियल एक बॉक्स होता है, ठीक है, वो आपके इंजन के पास ही लगा होता है, आपके मतलब ट्रैक्टर के बीच में ही आपको लगाया जाता है। वो बेसिकली क्या करता है, जो आपके पीछे के जो टायर्स होते हैं ना, उसमें जो पावर वेरिएशन, मतलब कभी किसी टायर को कम पावर की ज़रूरत होती है, कभी किसी उसको ज़्यादा पावर की। जैसे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो जनरली खेतों में क्या होता है, गड्ढे होते हैं, तो अगर आपका टायर, सपोज़ एक टायर आपका किसी गड्ढे में फंस गया, ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपकी दोनों में इक्वली ट्रांसमिट होगी तो वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वहाँ पे आता है आपका डिफरेंशियल का फंक्शन। डिफरेंशियल करता क्या है कि जो व्हील आपका गड्ढे में फंस गया है, ठीक है, उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है रोटेशन की, लेकिन जो व्हील बाहर है उसको ज़्यादा, तो वो क्या करेगा उस समय, वो जो पावर है ना, वो जो बाहर है व्हील, उस पर ट्रांसमिट करेगा, ताकि जब आप एक्सेलेरेटर दें तो आपका क्या हो, इजीली आपका ट्रैक्टर जो है वो गड्ढे से बाहर आ जाए। क्यों, क्योंकि क्या होगा, अगर वो आपका जो गड्ढे में फंसा हुआ है टायर, उसी में पावर जाती रहेगी ज़्यादा, तो वो वहीं पे रोटेट करने लग जाएगा, वो आगे आ ही नहीं पाएगा बाहर। तो उसके लिए, उसे बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि आपका जो टायर होता है, ठीक है, जो बाहर है, जो गड्ढे में नहीं फंसा है, उसमें हम ज़्यादा पावर दे देते हैं रैदर देन दिस। तो क्या होता है, आपका इजीली ट्रैक्टर जो होता है वो बाहर आ जाता है उस गड्ढे से। तो ये डिफरेंशियल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम, कई बार क्या होता है, जब आप टर्न्स लेते हैं ना, जब मोड़ आती है, तो मोड़ में क्या होता है कि जो आउटर व्हील होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। जैसे ये अगर आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, अब क्या होगा, सपोज़ ये इस तरीके से रोड है आपकी, ये ट्रैक्टर जो है ये रोड में जा रहा है, ठीक है, तो जब ये मूव करेगा, मतलब यहाँ से जब ये रोटेशन लेगा, तो इस वाले जो व्हील्स, आउटर व्हील्स हैं, इसको भाई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको कम, तो इसको ज़्यादा, तो भाई इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो डिफरेंशियल क्या करता है, जो बाहर के जो टायर्स होते हैं उनको पावर ट्रांसमिट ज़्यादा कर देता है, अंदर वालों को कम कर देता है। तो डिफरेंशियल का बेसिकली काम क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन, कब किस टायर में ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसके हिसाब से आपका डिफरेंशियल वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। स्टीयरिंग मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, जो आपने देखा होगा सर्कल टाइप का जिसको आप पकड़ के चलाते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये सभी को पता है भाई, बिना स्टीयरिंग के आप क्या गाड़ी चला सकते हो, अगर आपको गाड़ी को टर्न लेना है या आपको गाड़ी को स्ट्रेट चलाना है, आपको जिस डायरेक्शन में मूव करना है, आपके डायरेक्शन के लिए हम स्टीयरिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑटोमोबाइल में, जनरली ट्रैक्टर में भी, अगर ट्रैक्टर की बात करें तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म आपका बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, आपकी गाड़ी के रोटेशन, रोटेट करना है गाड़ी को, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, तो वहाँ पे आपके लिए स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगा होता है एक। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई छठवा, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें हम क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिक्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पहले तो नॉर्मल जो ट्रैक्टर्स आते थे, ठीक है, उसमें तो नहीं, अगर जो पीछे एक ट्रॉली टाइप की लगी होती है ना ट्रैक्टर्स में जो आप अटैच करते हो, तो उसमें देखा आपने बटन दबाते हैं हम, तो बटन दबाते ही क्या होता है वो, उसमें एक इस तरीके से पिस्टन होता है, तो वो इस तरीके से उठ जाती है ऊपर ट्रॉली, और जो भी सामान है वो एकदम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। एक हाइड्रोलिक सिस्टम में जनरली क्या होता है आपका ना, एक इस तरीके से एक आपकी ये सिलेंडर होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, और एक पिस्टन टाइप की, एक शाफ्ट टाइप की लगी होती है। ठीक है, और ये इस तरीके से इस पे जो भी कंपोनेंट है, तो आप क्या करते हो, जब हम क्या करते हैं इसमें प्रेशर लगाते हैं, तो ये पिस्टन आपकी धीरे धीरे ये फ्लूइड के जरिए क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो इससे ईजी हो जाता है हमारे मैकेनिज़म्स को करना। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में जनरली आपका कहाँ यूज़ होता है, यही सब चीज़ों में, जैसे आप लोगों ने मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो ट्रॉली लगी होती है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत हेवी होते हैं, उसको आप अपने हाथ से तो उठा के ऐसे ऊपर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें कुछ चाहिए होता है, तो हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग की हेल्प ली और वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया। इस हाइड्रोलिक सिस्टम का काम क्या होता है, उसको अटैचमेंट डिसअटैचमेंट करना। ठीक है, अच्छा इसमें जनरली आपका क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, एक सिलेंडर होता है आपका, है ना, एक सिलेंडर होगा, उसमें आपका फ्लूइड होगा। ठीक है, एक पंप होगा, जो कि पंप क्या करेगा, ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है इसको मोशन में, मतलब ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और क्या लगे होते हैं, सेफ्टी वॉल्व्स लगे होते हैं, कंट्रोल वॉल्व्स लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है कि अगर फ्लूइड में ज़्यादा प्रेशर हो गया तो भाई वो भी खतरनाक है, और कम प्रेशर भी है तो भी, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए हम इसमें वॉल्व्स लगाते हैं कि भाई कितना है, अगर लीकेज हो रही होगी तो भी वो इतना लोड नहीं कर पाएगा ना बियर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको रिपेयर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ये क्या करता है, जनरली आपके जितने भी सिस्टम्स हाइड्रोलिक यूनिट से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, जैसे ट्रॉली का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो सभी लोगों ने देखा है, बटन दबाते हैं, आपने देखा होगा ट्रॉली ऐसे इस तरीके से ऊपर उठ जाती है, और जो सामान था वो सारा से बजरी इस तरीके की चीज़ों को जब करना होता है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक्स पे, है ना, ब्रेक्स लगे होते हैं हमारे ट्रैक्टर्स में। ब्रेक्स जनरली आपके दो तरीके के होते हैं, या तो मैकेनिकल टाइप होंगे या फिर हाइड्रोलिक होंगे। हाइड्रोलिक वालों का फंक्शन सेम इसी तरीके से होता है, उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर, एक मास्टर सिलेंडर लगा होता है। ब्रेक्स का पहले तो फंक्शन देख लेते हैं। ब्रेक्स जनरली क्या होता है, जब आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही है और आपको अगर रोकना है तो वो आप क्या करते हो, ब्रेक्स का यूज़ करते हो ना, तो वही है ब्रेक्स को ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम गाड़ी को अपने स्टॉप कर सकें अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अब वो किस तरीके के, मैकेनिकल टाइप और हाइड्रोलिक टाइप ब्रेक्स लगे होते हैं इसमें। ठीक है, फोटोज़ में आपको दिखा दूंगा इनकी कि ये कैसे कैसे लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है आपका पीटीओ यूनिट। ठीक है, पीटीओ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टेक ऑफ बोलते हैं जिसे, पावर टेक ऑफ। ठीक है, पीटीओ यूनिट के नाम से जाना जाता है ये। एक शाफ्ट लगी होती है बाहर को, ठीक है, ट्रैक्टर्स में। ये क्या काम करती है, जैसे कोई आपके पास ऐसा डिवाइस है, ठीक है, आप कुछ जैसे आपको कोई ऐसा डिवाइस आपको कनेक्ट करना है ट्रैक्टर से, जो ट्रैक्टर से पावर ले सके और पावर उसको रोटेट हम करा सकें, तो वहाँ पे एक पीटीओ शाफ्ट लगी होती है, वो ट्रैक्टर में दी गई होती है। हम क्या करते हैं, उस
उस मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं पीटीए यूनिट से। तो ट्रैक्टर जब आपका चल रहा होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम धान बो लेते हैं तो उसकी वो मशीन लगी होती है ना थ्रेशिंग करने के लिए, तो वो सब चीज़ें कनेक्ट किससे होती है, ट्रैक्टर से ही तो लगती हैं वो सारी की चीज़ें। तो वो ट्रैक्टर से क्या करते हैं हम, ये पीटीओ शाफ्ट होती है, पीटीओ शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। तो ताकि क्या हो, जो ट्रैक्टर में जो पावर आ रही है ना, वो पावर हम उसमें किसी भी उसी मशीन में हम क्या कर सकें ट्रांसमिट। तो जो शाफ्ट का ये जो पीटीओ यूनिट है इसीलिए होती है कि अगर कोई एक्सटर्नल कोई मशीन है और उसमें अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम पीटीओ शाफ्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम उसे कनेक्ट करेंगे मशीन को, ताकि वो शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो आपकी जो मशीन है वो भी साथ साथ में मूवमेंट लेने लग जाती है। ठीक है, पीटीओ यूनिट। उसके बाद आता है भाई, पीटीओ यूनिट के बाद एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, है ना, कंट्रोल बोर्ड भी बोलते हैं इसको, डैशबोर्ड और कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या होता है, ये जनरली बेसिकली डैशबोर्ड क्या होता है ना, जहाँ पे स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग के आसपास देखना आपने कुछ 3-4 बटन्स लगे होते हैं, वही आपका डैशबोर्ड, उसी को डैशबोर्ड बोलते हैं। उसमें जनरली क्या होता है, एक तो कंप्रेसर रिलीफिंग बटन होता है। उस बटन का काम क्या होता है, कंप्रेसर रिलीफिंग बटन का, कि अगर आपका इंजन में ज़्यादा प्रेशर डेवलप्ड हो गया, ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करता है, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम लोग काम में आता है, ताकि आपका इंजन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। और एक दो और फंक्शन होते हैं, एक लाइट ऑन ऑफ, अगर आपको हेडलाइट्स गाड़ी की क्या करनी है, ऑन और ऑफ करनी है, तो उसके लिए भी वहीं पे क्या दे रखा होता है, एक यूनिट दी होती है। एक आपका वहाँ पे स्पीडोमीटर लगा होता है, है ना, स्पीडोमीटर क्या बताता है भाई, आपकी ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है, ठीक है। एक आपका फ्यूल इंडिकेटर भी लगा होता है, फ्यूल इंडिकेटर का काम क्या होता है कि फ्यूल कितना है अभी गाड़ी में, तो वो आपका इंडिकेट कर देता है। तो जनरली डैशबोर्ड में यही चीज़ें आपकी क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं, साथ में एक स्टीयरिंग लगा होता है यहीं पर, ठीक है। तो ये था आपका डैशबोर्ड। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जितने भी थे पार्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू। बाकी का जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।